नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करें, इस बीच बड़ी खबर अलीगढ़ से मिल रही है। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चौथे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड की महिला आरोपी भी गिरफ्तार हुई है और ये सबसे बड़ी और अहम खबर। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी निशांत शर्मा जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। निशांत, महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, मैं बता दूं, टप्पल के का जो पिंकल कांड हुआ है उसमें बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। सुबह में पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया था, तो वही दो घंटे बाद चौथी महिला पुलिस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं ना कहीं चौंका देने वाली खबर है। पुलिस ने एक दिन के अंदर ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उसमें दो आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक राहत की खबर है। और वहीं की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए राहत की खबर तो है ये, वहीं परिजनों को भी राहत की खबर है। क्योंकि जो जिन आरोपियों को जेल भेजने की बात परिजन कर रहे थे, उनमें से दो आरोपियों को और पकड़ा जा चुका है पुलिस के द्वारा। पुलिस दो पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि आखिर जो घटनाकांड को अंजाम दिया गया था उसके पीछे क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था। इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है और इन सभी पर। निशांत, महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, ये महिला कौन है और क्या मंशा रही इसकी जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हुई? देखिए, अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते क्योंकि महिला जो आरोपी गिरफ्तार हुई है उसे जायद की पत्नी बताया जा रहा है। इसका इस पूरे प्रकरण में क्या रोल था, क्या भूमिका थी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। क्योंकि कई पुलिस से भी हमारी बात हुई है, एसएसपी से भी बात हुई है, तो एसएसपी इसमें पूरी तरह से कुछ बताने के लिए अभी है नहीं। एसएसपी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अभी हम थोड़ी देर में इनसे पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद जो भी निकल करके आएगा तो मीडिया को ब्रीफ करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दोनों आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई है, इन दोनों आरोपियों की पूरे प्रकरण में क्या भूमिका थी, ये तो पुलिस स्पष्ट करेगी। बिल्कुल, फिलहाल तीन आरोपी और एक महिला आरोपी यानी कि चार लोगों को अभी तक इस मसले में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी मंशा और वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है। जाहिद की पत्नी बताई जा रही है जो महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि पूछताछ के बाद मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा, यानी कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आ पाता है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी।